हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में। अल्फ़ा टर्पिनॉइल। अल्फ़ा टर्पिनॉइल जो है वो एक वैरायटी है जिसको हम पाइन ऑयल या पेटिट ग्रीन ऑयल से पा सकते हैं। ये एक मोनोसाइक्लिक मोनो टर्पिनॉइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H18O। तो उसके बाद है, ये किसमें पाया जाता है, पेटिट ग्रीन आपने याद रखना है। ये पाइन ऑयल भी आप याद रख सकते हो, जो पहाड़ों में पाइन के ट्री लगे होते हैं ना, उसमें से जो ऑयल निकलता है उसका, ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें लास्ट में आपको OH मिलेगा लगा हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, जिसकी स्मेल लिलाक जैसी है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब लाइट में ये एक्टिव है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 220 डिग्री सेल्सियस है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आप तब मेंशन करोगे जब पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे स्ट्रक्चर या सिंथेसिस पूछी गई है तब तो आप नहीं लिखोगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके बारे में लिखो तब आपको ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। इसके आइसोमर्स हैं 4 अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये नेचुरली जो है डेक्स्ट्रो लेवो फॉर्म में पाया जाता है, रिज्मिक फॉर्म में ये मिलता है हमें। अगर आपने रिज्माइजेशन नहीं पढ़ी है तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक में ये चीज़ें आपके यूज़ होती है। अब देख लेते हैं हम सिंथेसिस। सिंथेसिस में है आइसोपरीन स्ट्रक्चर प्लस ब्यूट 3-ईन-2-ऑन। उसमें हमने हीट दिया एंड डाई एल्डर रिएक्शन करवाई। जैसे करवाई रिएक्शन तो उसके बाद हमारे पास ऑब्टेन हुआ 1,4-मिथाइल-साइक्लोहेक्स-3-इनाइल-इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अल्फ़ा टर्पिनॉइल मिल गया। एग्ज़ाम में लिख सकते हो, इसके लिए आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, प्लस आप बुक्स की भी हेल्प ले सकते हो। बुक्स का भी PDF एंड नोट्स का PDF आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो इसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इसको परफ्यूम में यूज़ कर सकते हैं। कौन से परफ्यूम में? लिलाक, बिकॉज इसकी फ्रैगनेंस जो है वो लिलाक जैसी है, एंड सॉप्स में यूज़ करते हैं। एज अ सॉल्वेंट पे हम इसको यूज़ करते हैं इथाइल सेलुलोज में, एंड एज अ प्लास्टिसाइजर भी इसको हम यूज़ करते हैं इपॉक्सी रेजिन्स में। इसके आगे और भी फर्दर टॉपिक्स हैं जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ MSc केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक।